जब से जैका फाटू ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया है तब से कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले जिनमें ये लिखा हुआ था कि अगर रोमन रेंस की जगह ब्रॉक लेसनर होता तो शायद ब्रॉक लेसनर जैका फाटू के साथ साथ सोलो सिकुआ की पूरी ब्लड लाइन की बैंड बजा देता। तो दोस्तों क्या ये बात सही है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कमेंट के थ्रू जरूर बताना। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि तोड़ फोड़ के मामले में तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से आगे है। दोस्तों अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा जब रोमन रेंस का रिटर्न नहीं हुआ था तब मैंने अपनी एक वीडियो में यही कहा था कि रोमन रेंस का रिटर्न तो समर स्लैम के आसपास होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस से पहले ब्रॉक लेसनर भी एक बार अपना रिटर्न करके सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन का सामना करे। और दोस्तों ऐसा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में होगा तो WWE रोमन रेंस और सोलो सिकुआ की स्टोरी लाइन को रेसलमेनिया 41 तक लेकर जाएगी, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है जिसमें आगे चलकर द रॉक भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि WWE हमेशा रोमन रेंस को ही तगड़ा दिखाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन फीकी पड़ जाएगी। और यही रीजन है कि सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन को तगड़ा दिखाने के लिए WWE ने जैकब फाटू से रोमन रेंस के ऊपर अटैक करवाया, ताकि लोग रोमन रेंस वर्सेस जैकब फाटू की फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएं। बात तो सही है। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर को फर्क नहीं पड़ता कि सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन में कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं, ब्रॉक लेसनर आता और सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन की बैंड बजा देता। जैसे कि ब्रॉक लेसनर ने 2021 के क्राउन ज्वेल के बाद की स्मैकडाउन में रोमन रेंस की ब्लड लाइन की बैंड बजाई थी। फिर चाहे ब्रॉक लेसनर मैच हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रॉक लेसनर तोड़ फोड़ तो मचा ही देता। और इसीलिए समर स्लैम से पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि रोमन रेंस के साथ साथ एक बार ब्रॉक लेसनर का सामना भी सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस तोड़फोड़ नहीं मचा सकता, रोमन रेंस ने भी समर स्लैम के बाद की स्मैकडाउन में काफी तोड़फोड़ मचाई है, लेकिन जैकब फाटो के सामने WWE ने रोमन रेंस को थोड़ा सा वीक इसीलिए दिखाया क्योंकि WWE रोमन रेंस की ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को रेसलमेनिया 41 तक खींचना चाहती है। लेकिन जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर का ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉक लेसनर आता और सीधा बैंड बजा देता, फिर चाहे ब्रॉक लेसनर मैच जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉक लेसनर का जो कैरेक्टर है वो बीस्ट टाइप का है, इसीलिए ब्रॉक लेसनर तोड़फोड़ भी ज्यादा मचाता है। लेकिन जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो WWE अभी रोमन रेंस को थोड़ा हीरो टाइप का दिखा रही है। जैसे मूवी में हीरो को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फिर वो विलन से जीतता है, सेम ऐसे ही रोमन रेंस को स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जैकब फाटू, द रॉक एक्सेट्रा, और फिर एंड में जाकर रोमन रेंस जीतेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।